तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको चीज दिखाने वाला हूँ जो आप लोग पिछले वीडियो में देखे हो कि हम अपने एक पकड़े कबूतर का पर खोलने वाले और वो हमारे घर पे रुका हुआ है कि नहीं, कि भाग गया, कि हमारे इस पिजन सेटअप पर है कि नहीं, आपको पूरा फुल जानकारी देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आसपास का माहौल। तो गाइस, आसपास का माहौल आपको देख के क्या लग रहा होगा कि अभी सुबह हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं छत पे पूरा पानी पानी है और आप देख सकते हो वहाँ पर अभी भी बूंद गिर रहा है। और गाइस, अभी भी यहाँ बरसात हो रहा है और थोड़ा मोड़ा मैंने पानी का बूंद गिर रहा है। तो आज सुबह से ही बरसात हो रहा है, तो अपने सारे कबूतर देखिए यहाँ और वहाँ बंद है। तो अभी सभी को अभी आपके सामने खोलेंगे और सभी को दाना पानी देंगे और उस कबूतर को आपको दिखाएंगे कि अभी भी मेरे पास है कि नहीं, और उसको थोड़ा मोड़ा छेड़ेंगे भी, आपको दिखाएंगे भी हमें हमारे पास उड़ता है। अगर ये आज का वेदर अगर ऐसा नहीं रहता, अगर बारिश वाला वेदर नहीं रहता, तो आज आपको उसको उड़ा के भी दिखाते। तो वैसे बारिश का वेदर है और अपने कबूतर को नहीं उड़ाते, तो वैसे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका उड़ान भी दिखा देंगे। तो बस इस वीडियो में आपको कबूतर को दिखाएंगे कि है कि नहीं वो हमारे पास। सबसे पहले तो चलिए सबसे पहले अपने पिजन लॉफ्ट को खोलते हैं और सभी को बाहर निकालते हैं और तुरंत इन लोगों को दाना पानी करवा के अंदर ढुका देंगे, क्योंकि गाइस बारिश फिर से स्टार्ट हो चुका और अभी भी हो ही रहा है। तो इसी बारिश में लोगों को निकालेंगे और खाना पीना देंगे, क्योंकि पूरा 24 घंटा गाइस इस पेटी के अंदर हमारे सारे कबूतर तो नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें बीमारी भी हो सकती है, कोई भी सुस्त भी हो सकता है, तो इसी कारण उन लोगों को निकालना ही पड़ेगा टाइम। तो चलिए अपने कबूतर को खोलते हैं और दिखाते हैं आपको वो कबूतर है कि नहीं। तो गाइस, अभी अपने सारे कबूतर को मैं प्लास्टिक तो उठा चुका हूँ, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इधर का भी मैं प्लास्टिक उठा दिया और इधर का भी प्लास्टिक उठा दिए। तो चलिए इन लोगों का खोला जाए। आओ आओ आओ, देखिए अभी कितना जल्दी निकलेगा सब। आओ आओ आओ, ये देखिए गाइस हमारे सारे कबूतर वहाँ पर चले गए, कुछ कुछ अभी भी अंदर बचे हुए हैं, तो लोग भी निकलेंगे। तो चलिए इसको भी खोला जाए, एक छोटा गेट को। आओ आओ आओ, ये देखिए गाइस सारे के सारे निकल रहे हैं। देखिए एक एक करके सारे कबूतर निकल गए, अभी भी कुछ कुछ है। और ये देखिए गाइस सामने में एक छोटा सा बच्चा जो है, देखिए वो अंदर चला गया वापस। ये देखिए हमारा सारंगपुरी फीमेल और सारंगपुरी फीमेल, ये दोनों सारंगपुरी है, नहीं साजंगपुरी और सारंगपुरी नर हमारा, ये रहा सारंगपुरी और ये रहा साजंगपुरी, और वो भी वही है सेम टू सेम। और इसका नर तो गाइस अभी बच्चा में बैठा हुआ है। तभी अपने कबूतर देखिए सारे इतने, माने सुबह से लेकर कैद थे और अभी खुले हैं, तो आप देख सकते हैं सब कैसा कर रहा है। अभी भी सब निकल ही रहा है आस्ते आस्ते। तो अभी हम यहाँ से हटेंगे तो अभी अंदर भी दो चार जो नर है वो लोग भी फटाफट निकलेंगे। तो वह सभी चलिए आपको उस नर को दिखाते हैं कि नर हमारे पास है भी कि नहीं। है, देखिए निकलते के साथ अपने सारे कबूतर देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ 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 पर घर के अंदर चले जा रहे हैं तेरे हमारे कबूतर सब। तो गाइस आपको दिखाते हो नर है कि नहीं, पहले देख लीजिए यहाँ पर सब जगह नजर घुरा लीजिए, आपको नर कहीं नहीं दिखाई देगा। तो गाइस आप लोग ये मत सोचिए कि वो नर गाइस हमारे पास से चला गया है, भाग गया है। तो चलिए गाइस आपको नर को दिखाते हैं, और अभी भी हमारे पास वो नर है और उड़ता भी है, लेकिन इस बारिश का मौसम में आप देख सकते हो पूरा तेज बारिश होने का पूरा एकदम चांस बना हुआ है, लेकिन आस्ते आस्ते बारिश हो रहा है। तो गाइस इस बारिश में उस कबूतर को उड़ा के आप लोगों को नहीं दिखा सकता, आपको दूसरा वीडियो में उस कबूतर को उड़ा के दिखा दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में आपको सब करा था कि अभी वो कबूतर मेरे पास है कि नहीं, तो चलिए आपको कबूतर तो दिखाते हैं कि है कि नहीं अपने पास। देखिए गाइस अपने का सारे कबूतर पर जम के पानी पी रहे, सुबह से बंद थे, तो वही देखिएगा एक नया बच्चा भी निकल के आ गया बाहर। तो इस बच्चे भी जो है वो भी बाहर आ जा रहे हैं इस बारिश का मौसम में। तो ऐसे इसके हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन का बात है, क्योंकि इस बारिश के समय लोगों को ठंडा लग सकता है। तो चलिए गाइस आपको उस बच्चे को दिखाते हैं कि नहीं, मतलब कि उस नर को दिखाते हैं कि नर हमारे पास है कि नहीं। चलिए ये देखिए गाइस वो नर, आप इसका शौक कर लीजिए पूरा अच्छा तरह से, ये वही नर है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं वही नर है। और अभी आपके सामने इसको इस उछलाते छोड़ेंगे, ये देखिए नर तो देखिए वापस गाइस यहाँ पर आके बैठ चुका है। तो आप देख सकते हैं गाइस वो नर हमारे पास अभी भी है, और वो किस कारण से हमारे पास रुका हुआ है, वो चाहे तो भाग भी सकता, क्योंकि ये गाइस पूरा पूरी बड़ा नर है। और इस टाइप का जो इस नस्ल का जो कबूतर होता है वो आसानी से किसी घर में सेट नहीं करता है, जो मतलब किसी घर में वो सेट कर गया तो उसका घर से कभी भागता भी नहीं है, चाहे जितना दूर उसको बेच दे उड़ा दे क्यों ना, आपका घर सही से ही आ जाएगा। तो बस इस नर को मैं किस तरह से आपको सेट करे किए हैं आपको पूरा फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो क्या सबसे पहले नर तो देखिए कहाँ है, वो देखिए गाइस वहाँ देखिए खुजला रहा है, बस वो नर तो वहाँ पर बैठ कर खुजला रहे। तो गाइस आपको चलिए बताते हैं क्या है, क्या चीज़ से मैं इसको सेट किया और क्या कारण से हमारे घर पर रुका है। तो गाइस पहला कारण है कि कबूतर एक अच्छा सा माहौल, हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं माहौल सब,
ये जो घर है, ये कबूतर सब, एक कबूतर बाज के पास एक अच्छा माहौल भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कबूतर के लिए, क्योंकि तभी कबूतर आपके पास रुकेगा, रहेगा, उड़ेगा, सही से रहेगा। क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कबूतर लोग कि बिल्ली अटैक कर देता है, चील अटैक कर देता है, इसके कारण कबूतर सब नहीं रहता है और सारे कबूतर मतलब डर डर के रहते हैं। तो ऐसे ये भी नहीं हो आपके छत पे, आपका छत पूरा क्लियर हो, एकदम सेफ हो, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए अपने सारे कबूतर देखिए कहाँ कहाँ से उड़ उड़ के आ रहा है, ये देखिए बस अभी सारे कबूतर आए खुले और अभी देखिए सब इधर उधर, इस बारिश के मौसम में सब इधर उधर कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से इन सबको खाना खिला के ढुका दूंगा क्योंकि बारिश तेज आने का संभावना हो सकता है। तो मैं सबको बताता हूँ, पहला बात आपको छत सेफ होना चाहिए, दूसरा बात गाइस आपको कबूतर का खाना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि खाना बहुत ही भाई लोग सिर्फ गेहूँ ही खिलाते हैं। गेहूँ गाइस अच्छा एक फूड है लेकिन उतना भी बेस्ट फूड नहीं है, क्योंकि आप लोग भी देखते अगर आप लोग भी अगर सब समय अगर दाल चावल खाए तो आप लोगों को कैसे लगेगा, उग जाएगा, पूरा उग जाएगा। तो कबूतर को हमेशा डाइट चेंज करके दिया करें और आप लोग भी अपने हमेशा अपने कबूतर को डाइट चेंज करके दिया करें, क्योंकि कबूतर एक खाना खाएगा तो वो बहुत ही उग जाता है, वो खाना उतना खाएगा, भूक में तो खाएगा लेकिन वो कबूतर उतना शौक से नहीं खाता। तो हमेशा खाना मिक्स फूड दिया करें अपने कबूतर को। और दूसरा बात गाइस मेडिसिन के लिए रखें, क्योंकि ये कबूतर तभी अच्छा रहता है जब वो पूरा तरह से फिट और पूरा एकदम तंदुरुस्त हो, पूरा एकदम मतलब चंचल टाइप में। और देख सकते हैं सब अपने कबूतर को खाना नहीं दिए और सारे कबूतर देखिए हमारे इस घर के अंदर जा रहे हैं। अभी देखिए देखिए निकला ना, तो ऐसे ही होता है, वो लोग जानते हैं कि यहाँ पर गेहूँ रखा हुआ है तो ये हरकत करता है। तो ऐसे मेडिसिन भी आपको अच्छा होना चाहिए, माहौल भी अच्छा होना चाहिए। और कबूतर को आपको पर कब खोलना है गाइस, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कबूतर को कितने दिन में इसका पर खोलता है और कितने दिन में उसको उड़ाता है, इसका एक गाइस एक वीडियो बनाऊंगा आपको। इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि कबूतर को मैं कैसे सेट किया है, एक अलग से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उस समय आपको पूरा मैं बताऊंगा कि इस कबूतर को, एक कबूतर को कैसे अपने छत पे हिलाए और कैसे सेट करे जो कबूतर भागे ना। तो गाइस अपने देखिए कबूतर सब यहाँ पर है और तो आप देख सकते गाइस मौसम बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है और अपने कबूतर को भी हम बहुत देर तक खुला नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक बारिश हो सकता है और अपने कबूतर भी बहुत ज़्यादा भूखे। तो चलिए फटाफट इन लोगों को खाना दे देते हैं और ये रहा इनका कबूतर के लिए खाना। और सब देखिए कैसे करेंगे, देखिए देखिए गाइस सब कितना भूखा है, सब खाली खाना कोई देख रहा है। तो चलिए इनको फटाफट दाना दे देते हैं और ये कितना देखिए कितना पगला है, सब देखिए गाइस कैसा हरकत कर रहा है, देखिए हम देख सकते हैं। तो चलिए इन सभी को बुलाते हैं पहले और देखिए गाइस हमारे सारे कबूतर को खाना दे दिए हैं। और देखिए एक न्यू बच्चा ये रहा, एक वो रहा और अपने कबूतर देखिए गाइस कुछ सुस्त हो जा रहा है, वहाँ पर देखिए बैठा हुआ है। तो इस बारिश के कारण ऐसा चीज हो रहा है। तो अपने सारे कबूतर मजा से खाना खा रहे। और गाइस आपको एक अलग से गुड न्यूज भी देना है, तो चलिए गाइस वो गुड न्यूज तो क्या है आपको दिखाते हैं, अपने लॉफ्ट में गुड न्यूज तो चलिए आपको चीज तो भी दिखाते हैं। सबसे पहले लॉफ्ट के अंदर घुसते हैं, तो चलिए गाइस लॉफ्ट के अंदर, और लॉफ्ट पूरा अंधेरा है। और गुड न्यूज तो क्या है गाइस, ये देखिए गुड न्यूज ये देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर दो बेबीज निकल चुके हैं। और इस नर को आगे हटाते हैं ऊपर से, ये देखिए गाइस दो न्यू बेबीज आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक बेबी और ये रहा दूसरा। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि हमारे यहाँ पर भी इसके दोबारा न्यू बेबीज निकल चुके हैं। और हमारे देखिए उस कबूतर ने जिसका बच्चा मर गया था उसका ये अंडा है, तो कबूतर ने फिर से बच गया, हमको लगा अंडा फट गया। तो गाइस वो कबूतर फिर से अंडा दे दिया है, तो इसको यहाँ पर सही जगह रख देते हैं। और हमारा देखिए कालपेटिया नर, तो इसको भी बाहर करते हैं और इसका अंडा भी है ही। ये गाइस एक ही अंडा दिया है और दूसरा अंडा इसकी फीमेल नहीं दिया है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये लोग इतना जल्दी खाना भी ख़त्म कर दिया है। और ये देखिए कुछ कबूतर यहाँ पर है और कुछ ऊपर है। तो गाइस इसको फटाफट इन लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा क्योंकि अब बारिश पूरा तेज हो चुका है और इन लोगों को देखिए लोग खाना भी ख़त्म कर चुका है। तो इन लोगों को दोबारा खाना देते हैं, तो गाइस सेकंड टाइम, तो इस लोगों को सेकंड टाइम फिर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है
और कुछ कबूतर ऊपर भी हैं जो अभी तक नीचे उतरे नहीं, नीचे थे लेकिन दोबारा ऊपर चले गए। तो ये देखिए कबूतर बाहर निकला है अभी, और ये कबूतर तो सुस्त है तो इसको खाने के पास भेजते हैं। ये लोग ये खाना क्यों नहीं खा रहा है, इसको खाने के पास भेजते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सारे कबूतर यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ये देखिए गाइस कबूतर सब नीचे उतर रहे जो ऊपर था, लेकिन अभी भी कुछ कबूतर ऊपर में ही है। और तो गाइस बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया है और वीडियो बनाना इम्पॉसिबल हो रहा है अब। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ, और जो नर्क पर जो खुले थे और हमारे घर पे जो रुका हुआ था। अगर आपको इसका वीडियो और भी अच्छा खासा चाहिए और किस तरह से हम अपने कबूतर को सेट करते अपने घर में और भागते नहीं है, तो इसका वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसका वीडियो हम जरूर बनाएंगे। और गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।